हेलो प्यारे बच्चे, यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा। इसमें हम आपको वो सारे बेसिक जो सबसे जहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्टिंग होते हैं वहाँ से मैं आपको खड़ाने की कोशिश की गई है। तो आप लोग के लिए ये सेशन वीडियो के शुरू से एंड तक देखिएगा और आई होप आपको अच्छे से मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये नंबर सिस्टम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैथमेटिक्स के आप कोई भी टॉपिक कर लें, मैं तो बताऊँ मैथमेटिक्स में कहीं भी करते हैं, तो एक रूल जो हमेशा आपको आपके लिए हेल्पफुल होता है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। चाहे आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, मतलब जो भी टॉपिक करते हैं आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। सिंप्लीफिकेशन मतलब ये नंबर किस नंबर से कैंसिल होता है। कई बार क्या होता है हमारा 10 डिजिट का नंबर है, अब हम देखकर ही क्या होता है परेशान हो जाते हैं, ये नंबर ऐसा नंबर हमारा कैंसिल कैसे हो रहा है। तो ऐसे सारे रूल हम इस वीडियो में देखेंगे और देखकर आंसर आसानी से हार्डली 2 से 3 सेकंड में निकालना सीखेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहले सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखें जैसे डिविजन बाय स्टार्टिंग से करते हैं 2 से ही, क्योंकि जिन लोगों में बिगिनिंग क्लासेज है उनके लिए भी बताया था बाय 2। 2 से कौन सी डिजिट, कौन सी नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजन होता है, तो आई होप सारे बच्चों को पता है लास्ट का जो होता है ना हमारा लास्ट डिजिट, या इसको यूनिट लास्ट डिजिट लास्ट वन डिजिट कर लीजिए, लास्ट वन डिजिट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजन बाय बाय 2 के लिए क्या करें, लास्ट का एक डिजिट क्या होगा 2 के टेबल में जाना चाहिए। सीधी से लैंग्वेज में 2 के लिए लिखा जाए तो यूनिट डिजिट लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, मतलब इनमें से कोई भी संख्या आ जाती है यूनिट प्लेस में, तो आप सिंप्लीफिकेशन क्या करेंगे 2 से कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, ये तो सबसे सिंपल रूल था। अब आ जाइए बाय 4, इसमें लास्ट डिजिट नहीं लास्ट 2 डिजिट लिखिएगा, लास्ट 2 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। 4 से वही नंबर कैंसिल हो सकते हैं जिसकी लास्ट के 2 अंक 4 के टेबल में कट जाए। मैंने क्या बताया, 4 से वही संख्या कैंसिल होगी जिसकी अंतिम 2 अंक किससे कैंसिल हो रहे हैं, 4 से कैंसिल हो रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, सबसे आसान क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10 से 24 है, जैसे 1024 है किससे कैंसिल होगा, बस लास्ट से लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है। यदि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 के टेबल में जा रहा है, तो देखिए लास्ट डिजिट हमारा 24 है, 4 के टेबल में जा रहा है, इसका मतलब क्या है हमारा ये डिजिट किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल, तो इसका मतलब ये पूरी डिजिट किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से हो। एक छोटा सा एग्जांपल और भी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3, 4, 6, 7, 2 है और आप इसको चेक करना है जो 4 से कैंसिल हो रहे हैं, तो आप ये पूरी को डिवाइड मत कीजिए। क्या डिवाइड करना है प्यारे बच्चों, आपको लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट है हमारे कितना 72 है, तो सिर्फ लास्ट को 2 डिजिट 72 को देखना है, तो 4 से डिवाइड करें तो 72 18 जा रहा है, जिसका मतलब ये पूरी डिजिट किससे कैंसिल हो रहा है, हमारा 4 से कैंसिल हो रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट रूल है हमारा 8 के लिए, जैसे 2 का रूल क्लियर था, 4 का रूल क्लियर है, 8 के 8 में हम क्या करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं, लास्ट के कितना डिजिट देखते हैं हम, 3 डिजिट्स एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, किससे कैंसिल होने चाहिए, 8 से कैंसिल होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे 1024 है, अब मुझे चेक करना है 8 से कैंसिल होगा कि नहीं, तो मैंने क्या कहा था 2 में हमने बताया था 2 से वही संख्या कैंसिल होती है जिसकी फर्स्ट डिजिट 2 के टेबल में जा रही है। 0 तो सबसे डिविजिबल होती है, तो 0 का काउंट तो 0 तो सब में जाती है, लेकिन उसके अलावा यूनिट में कोई भी डिजिट हो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये 2 से कट रहा है, इसका मतलब वो 2 से वो संख्या जा रही थी, लेकिन 4 से यदि आपको चेक करना है तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, कितना डिजिट चेक करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे, लेकिन मुझे 8 के लिए चेक करना है तो लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे। मान लीजिए मुझे 16 के लिए चेक करना है, तो हम लोग इसमें 8 के लिए कितना डिजिट चेक करना था, मुझे लास्ट के 3 अंक, 0 से 8 में जाता है 8, 3, 24, इसका मतलब पूरी संख्या कैसे कैंसिल हो गया, 8 से कैंसिल हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमारा है 1033248, अब मुझे चेक करना है 8 से जाएगा कि नहीं, तो सिर्फ लास्ट का ये वाला डिजिट देखें तो 248, देखिए 24 8 के टेबल में जा रहा है, 8 भी जा रहा है, इसको मतलब पूरी संख्या किससे कैंसिल होगा, 8 से कैंसिल होगा। आई होप क्लियर हो गया। 2 में सिंगल डिजिट देखना है 1 अंक, और 4 से कौन सी संख्या कटेगी, लास्ट के 2 अंक, 16 से कौन सी संख्या कटती है, लास्ट के 4। यदि हम 16 में चेक करें, बाय 16 से कौन सी संख्या कट रही है हमारी,
तो दोस्तों हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखें तो लास्ट के कितना 4 अंक। यदि यही एग्जांपल ले लें तो जैसे 103248 आ रहा है, अब देखिए लास्ट के 4 अंक 16 से कैंसिल हो रहे हैं, 32 भी 48 भी 16 में जा रहे हैं, इसका मतलब ये संख्या जो हमारा 16 से कट है। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन कई बार तो डायरेक्ट ये तो हमारा सिंप्लीफिकेशन में यूज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, यदि आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, कई बार डिविजिबिलिटी पूछा जाता है इनमें से कौन सी संख्या है जो 16 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। कई बार क्या होता है वहाँ पर स्टार मार्क कर दी जाती है, और स्टार की जगह कौन से स्मॉलेस्ट नंबर रखा जाए जो ये 8 से डिविजिबल हो जाए या 16 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल में सबका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दो के लिए तो सिंपल है, लास्ट का डिजिट देखना है सिर्फ आपको, 4 के लिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे 4096 है और स्टार है हमारा, अगर स्टार के लिए यहाँ कौन सी नंबर रखा जाए तो ये 4 से डिवाइड करते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं 9 को यदि 4 से डिवाइड करते हैं, तो 9 को यदि आप 4 से डिवाइड करें तो कितना 1 आ रहा है। 1 पर 4 का जो टेबल है हमेशा क्या होता है, सबसे छोटा टेबल क्या है 12, इसका मतलब आपको स्टार के लिए कौन सी नंबर रखना होगा 2, तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा। यदि ऐसा पूछा जाता है 4096 और 409 और स्टार में, और स्टार की जगह और कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर रखा जाए जो ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो मैंने क्या कहा 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं, हम सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं। कितना डिजिट चेक करते हैं हम, लास्ट के 2 डिजिट। हमारा 9 था, तो 9 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 आ रहा है, तो बचा कितना हमारा 1, तो 1 पर कौन से सबसे छोटा नंबर रखा जाए जो 4 से डिवाइड हुआ, तो 12 ना, मतलब 2 रखने से 12 बन जाएगा, इसलिए स्टार की जगह क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। 4 के लिए एक और भी देख लेते हैं इसी में, जैसे हमारा 3467 और स्टार है हमारा, फिर से देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, 7 को 4 से डिवाइड करके देखें, तो 7 को यदि 4 से डिवाइड करें तो कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स, 3 बच रहे हैं, 3 पर भी 2 डालने से हमारा 4 से डिविजिबल होगा, तो स्टार की जगह स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा हमारा 2, जिसके कारण क्या होगा ये फोर से डिविजिबल होगा। इसी तरह 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना होगा तो लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे। मुझे 16 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम कितना चेक करेंगे, लास्ट का 4 अंक चेक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, 2, 4 और 8, 16, 32। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए इसी का। कई बार क्या होता है यही क्वेश्चन ना आपको थोड़ा सा अलग टाइप में आ जाए, तो हम लोग क्या करना है, जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे क्वेश्चन आ गए 9999, आपको क्या करना है 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या है, तो 8 में हम लोग सिर्फ क्या करना है, लास्ट के आपको 3 डिजिट डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आया, तो 8 से डिवाइड कीजिए 1 बच गया 19, 8 16 3 पर 9 39, 8 से डिवाइड करिए 8 32, तो 7 में, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 7। तो सिर्फ डिविजिबिलिटी सीखने से तो सिंप्लीफिकेशन में हेल्प तो बताइए, और दूसरा हेल्प हमारा कहाँ होता है, जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो उस क्वेश्चन को हम डील कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं प्लीज, बाई 3 बाई 9। अब देखिए 3 के लिए रूल क्या होता है, तो 3 के लिए सम ऑफ डिजिट, मतलब जो भी नंबर गिवन है उसका सम कर लीजिए। जैसे देखिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा पहले, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए 372 की वैल्यू है, और प्लस देखिए 3 और 9 का रूल जब भी आपको चेक करने के लिए आ रहा है, चाहे 3 का रूल चेक करें या 9 का रूल चेक करें, तो उसमें क्या आ रहा है, डिजिट को आपको सम करना है। क्या करना है मुझे, डिजिट का सम करना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 372, अब इसको प्लस करके देख लीजिए, तो 7 में 3 जोड़ेंगे 10 और 2 12 12 आ रहा है, 12 3 के टेबल में जा रहा है ना, इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी हमारे, 3 से कट जाएगी। 9 में भी हमारा सेम रूल लगाना है, सम ऑफ डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय जीबल बाय 9। अंकों का जो किससे कैंसिल होनी चाहिए, 9 से ना, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लेते हैं 729 है, अब मुझे चेक करना है 9 से जाएगा कि नहीं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, इसको प्लस कर लीजिए 7 + 2 + 9 कितना आ रहा है 18 आ रहा है, 18 9 से कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी डिजिट किससे कैंसिल होगा आपका,
9 से कर चलूंगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो जैसे हमारा इसका समटाइम्स क्या होता है, तो सिंप्लीफिकेशन में आपको पता चल गया ये 9 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 से कैंसिल हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन करना है जो 9 से कौन से नंबर कैंसिल होगा, 9 से कौन से नंबर कैंसिल होगा, या हमारा 3 से कौन से नंबर कैंसिल होते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में क्या होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा 7 है, 3 है, 4 है, 6 है और मुझे स्टार है। अब स्टार के जगह कौन सी नंबर रखी जाए जो नंबर जो है ना ये 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर मान लेते हैं कोई नंबर रखते हैं, जैसे 7 है, 3 है, 4 है, 6 है, इसको प्लस करते हैं 7 × 10 = 14 = 16 = 20 आ रहा है। तो 20 के बाद हमारा 9 का कौन सा टेबल आता है, तो 7 × 27, इसका मतलब हमारा यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा, 7 है। तो इस तरह से हम लोग क्या चेक करेंगे, 9 का रूल भी चेक करते हैं और 3 का रूल चेक करते हैं। चलिए थोड़ा सा और भी एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। नेक्स्ट में है हमारा, इसके बाद हमारा डिविजिबिलिटी का जो रूल बचता है वो है हमारा कौन से, वो बच रहा है हमारा एक तो 5 का रूल है, जो कि सबसे आसान होता है। यूनिट डिजिट के लिए हम क्या यूज करेंगे, या तो 5 यूज करेंगे या यूनिट डिजिट क्या है हमारा 0 है। तो इसका यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस जो लेते हैं हम, या तो 0 लेना है या 5 लेना है। तो यदि 5 के डिविजिबिलिटी के लिए हमेशा कौन सा रूल अप्लाई करना है, या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए। इसी प्रकार हमारा होता है बाय 6, तो 6 में क्या करते हैं, नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3। जैसे देखिए, यदि मान लीजिए मुझे कोई भी कंपोजिट नंबर लेना है, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब ऐसे नंबर लेना है जो किसी ना किसी नंबर से मेरा क्या होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे हमारा 6 है, तो 6 क्या है हमारा 2 से कैंसिल हो रहा है और 3 से भी कैंसिल हो रहा है। तो ऐसे कोई भी नंबर जैसे 12 है, तो जो कंपोजिट नंबर है उसको करना क्या, एक ही रूल से आपको सॉल्व करना है, उसको कोप्राइम फैक्टर बनाना है। मतलब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 3, तो जो नंबर 2 से भी कैंसिल हो जाए और 3 से भी कैंसिल होगा, वो नंबर हमारा किससे डिविजिबल हो रहा है, 6 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए प्लीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, कुछ ऐसी प्राइम नंबर है जिसमें ना हमारा कंपोजिट वाला रूल काम नहीं करता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा कुछ स्पेसिफिक रूल होता है, उस स्पेसिफिक रूल को देखें कैसे हम टैगल कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहला हमारा है बाय 7 बाय 13 बाय 17 बाय 19। जैसे कोई संख्या आ जाए, या तो 7 से कैंसिल हो जाए, 13 से कैंसिल हो जाए, 17 का आ जाए और 19 का। हम लोग क्या करते हैं, यदि कैंसिल, जैसे हमारा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, मैं तो कह रहा हूं यदि आपको 20 तक में कोई डिविजिबिलिटी नहीं आती है ना, तो सबसे पहला काम कुछ भी मत कीजिए, आपको टेबल आना चाहिए। मैं तो सिंपल कहता हूँ बच्चों से, जो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना, टेबल आना चाहिए। और टेबल आपको मैथमेटिक्स के सिंप्लीफिकेशन के लिए तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज रूल हेल्प, रूल सीखने से थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। वो हेल्प किस लिए होता है, उसके लिए देखें। तो मान लीजिए कई बार हमारा क्वेश्चन आ जाता है, 7 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं, 13 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं, 17 से जा रहा है, 19 से जा रहा है, उस केस में आपको रूल की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज यदि सिंप्लीफिकेशन करता है, तो मैं तो कह रहा हूँ आप टेबल यूज करो, सबसे बेस्ट है। क्या यूज करना है आपको, टेबल यूज करना है। तो आपको करना है क्या, 7 के लिए चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 315 है, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ, लास्ट डिजिट को डबल कर लूँ। 7 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होता है, लास्ट को डिजिट को डबल करना है। हमने क्या किया, लास्ट डिजिट को डबल कर लिया, तो 5 को डबल करेंगे तो 10 प्रीवियस डिजिट से माइनस करो इधर पीछे से, तो ये 31 बच गया, 31 में से 10 कट गया, है 21, 7 से कट रहा है। तो ये माइनस करके या तो हमारा 0 आ जाए या 7 का मल्टीपल आ जाए, जिसका मतलब वो डिजिट किससे कैंसिल हो रहा है, 7 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो 7 के लिए डिविजिबिलिटी का रूल क्या लिखेंगे, हम डबल करके पीछे से माइनस करेंगे। 13 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा, 4 गुना करेंगे पीछे प्लस कर लेंगे। 17 का डिविजिबिलिटी का 5 गुना करके माइनस करेंगे, और 19 का डिविजिबिलिटी के 2 से क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो ये हमारा 4 ऐसे प्राइम नंबर है जिसमें आपको छोटा सा रूल आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो डबल करना है या 4 टाइम्स करना है, 5 टाइम्स करना है, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। चलिए, ये तो होगा छोटे नंबर में आप इस तरह से रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा नंबर ऐसे आ गया, 3 है, 5 है, 7 है, 4 9 है, अब इतना बड़ा नंबर है, और जो मैंने रूल आपको बताया था आप 7 से चेक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक एक नंबर को डबल करके पीछे से माइनस करेंगे, तो टाइम हमारा कंज्यूम होगा, काफी ज्यादा टाइम जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो 3-3 करके पेयर बनाते हैं, हम क्या करेंगे, 3-3 नंबर का पेयर बनाते हैं। तो यदि हम 3 का पेयर बना लें, तो देखिए 3 का पेयर बनाएंगे तो ये
इधर तो 3 नंबर आ गया, इधर हमारा 2 डिजिट आ गया। तो जो बड़ा नंबर आ रहा है, तो बड़ा नंबर कैसे पता चला? 749 हमारा बड़ा नंबर है ना, और बचा कितना हमारा 35। तो हम क्या करेंगे, 749 से हम 35 को माइनस करेंगे, तो क्या आ रहा है देखिए, 9 में से 5 किया 4, 4 में से 3 गया 1 और 7। और ये देख कर ही पता चल रहा है 7 से जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी डिजिट हमारा क्या होगा, 7 से कट जाएगा। तो यदि बड़े डिजिट जब भी आता है आपको करना है 3-3 का पेयर बनाना है। कितने का पेयर बनाना है आपको? 3-3 करके पेयर बनाना है। और 3-3 करके पेयर का जो डिफरेंस आएगा, जैसे ये डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस देखना है किससे कैंसिल हो रहा है, 7 से हो रहे हैं, 11 से हो रहे हैं, 13 से हो रहे हैं, इनमें से जिससे भी ये डिफरेंस कैंसिल हो रहे हैं ना, वो नंबर इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा रूल और भी सीखते हैं इसमें। कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे देखिए एनी नंबर रिपीटेड 6 टाइम्स। मैंने क्या कहा, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 1111 6 बार, 222 6 बार, 333 हमारा कितना 6 है, तो कोई भी नंबर हमारा 6 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा। जैसे देखिए 1111 2222, ठीक है, ऐसे कोई संख्या है 3333, मतलब कम से कम 6 टाइम्स आना चाहिए, तो ये नंबर ऑलवेज जो आपको डिविजिबल होगा ना, वो किससे कैंसिल होगा, 7, 11, 13 और 37। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया, कोई भी नंबर 6 टाइम्स रिपीट हो रही है वो नंबर हमेशा डिविजिबल किससे होगा, 7 से, 11 से और 13 और 17 से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल आ रहा है 99999, और मुझे ना 7 से डिवाइड करना है, और पूछा गया रिमाइंडर कितना होगा, तो मैंने अभी जस्ट हमने रूल क्या सीखा है, कोई भी नंबर 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है 7 से तो जाएगा ही जाएगा, 11 से भी जाएगा, 13 से जाएगा और 37 से जाएगा। तो अब इसमें हमने देखे क्या, जैसे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, तो ये 6 डिजिट तक तो 7 से हमारा डिविजन हो ही रहा है, वो 7 से डिविजन तो है ही ना, इसके मतलब क्या चेक करना है आपको, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट कितना है 99। अब 99 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा, तो 9 को 7 से करेंगे तो 2 पर 9 आए 29, मतलब रिमाइंडर कितना है हमारा बनेगा। तो बड़े बड़े डिजिट यदि आ जाता है और आपको रिमाइंडर निकालने के लिए आ जाए 7 से, 11 से, 13 से, 37 से, तो ऐसे केसेस में क्या करना, 6 का डिजिट हटाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने रूल में पहले बताया था जो भी डिजिट 6 टाइम्स रिपीट हो रही है वो मतलब इससे डिविजिबल तो होगा ही। आई होप ये छोटा सा रूल आपको क्लियर हो गया। एक बेसिक रूल और भी देखते हैं, जैसे देखिए कोई भी नंबर हमारा मान लीजिए ABC के पैटर्न में जा रहा है, ABC के फॉर्म में जा रहा है, तो ये नंबर हमारा 7 से भी कैंसिल हो गया, 11 से भी, 13 से भी, ऑलवेज कैंसिल हो गया। कोई भी नंबर एबीसी पैटर्न का मतलब क्या है, जैसे देखिए 234 234 या 567 567, ऐसे संख्या जब भी लिखा हुआ आ जाए ना, तो वो संख्या हमारा 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा। और जो संख्या 7, 11, 13 से जाएगा, इसका मतलब वो संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 1001 से। मैंने क्या कहा, कोई भी संख्या एबीसी के फॉर्म में गिवन हो, एबीसी का मतलब 1 2 3 1 2 3 3 4 5 3 4 5, इसका मतलब ये संख्या 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी है, 13 से भी डिविजिबल है और 37 से भी डिविजिबल है। और ऐसे संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 1001 से। तो मैंने क्या लिखा, 1001 से डिविजिबल। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई संख्या इस फॉर्मेट में आता है ए बी के फॉर्मेट में, तो ऐसे संख्या हमेशा क्या होता है, इससे डिविजिबल हो जाएगा, 101 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए 2 3 2 3 4 5 4 5, मतलब जो संख्या इस फॉर्मेट में आ रहा है वो संख्या हमारा सर किससे डिविजिबल हो रहा है, हमारा 101 से डिविजिबल होगा। तो आई होप थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा स्टार्टिंग से जो देखा था उसमें हमारा 2 का रूल क्लियर था, 4 का रूल क्लियर है, 8 का है, 16 का, 5 का क्लियर था, 6 का, 7 8 9 का क्लियर था, बस एक रूल हमारा बच रहा है इसमें, जो एक मेन रूल है, बाकी इसकी जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, जिस पर हम जितना रूल सीखा उसके ऊपर प्रैक्टिस होगी, हम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन कराएंगे, फिर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, तब आपको डिविजिबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास टिप्स पर हो जाएगा। एग्जाम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आप यहाँ से मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बाय 11 का, जैसे एग्जाम्पल देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 3 2 1, कोई भी नंबर 11 का डिविजिबिलिटी जब भी चेक करना है ना, आप कोई भी संख्या के बारे में
तो मैं करना क्या है, उससे लास्ट से अल्टरनेट डिजिट को सम करना है। करना क्या है दोस्तों, देखिए इसके लास्ट का डिजिट को अल्टरनेट करना है। क्या करना है आपको, लास्ट डिजिट का सम करना है, अल्टरनेट डिजिट का सम करना है। तो सम कैसे करें, 1347889 और नीचे से भी ना आप अल्टरनेट कर लीजिए। जैसे हमने जैसे ऑड प्लेस ले लिया, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सम प्लस ना, और आप दोनों का डिफरेंस नीचे से भी प्लस कर रहे थे कितना 8 आ रहा है, अब दोनों को माइनस कीजिए, माइनस पर 0 आ रहा है, या तो 0 आ जाए या 11 का टेबल बन जाए। ये संख्या ऑलवेज किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल, कंफर्म। लेकिन इसके अलावा जितना भी हमारा कंपोजिट नंबर क्वेश्चन है ना, सब में एक ही रूल लगाना है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे 12 का, तो 12 हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है। तो आगे जितना भी कंपोजिट नंबर है 99, 72 जितनी भी संख्या है ना, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, इसका कोप्रैन फैक्टर बनाना है।